नमस्कार, स्वागत है आपका कोबरा पोस्ट इन डेप्थ लाइव में। हमारा एक ऐसा शो जिसमें हम एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं। आज का मुद्दा है कि ओपिनियन पोल, चुनावों का शंखनाद हो चुका है। चुनाव अगले महीने होने जा रहे हैं, फरवरी में चुनाव है, और ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव में किसे मिलेगी शह और किसे मिलेगी मात, ये मैदान में जो महारथी उतरे हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा 11 मार्च को। लेकिन ओपिनियन पोल पहले आ चुके हैं, दो बड़ी एजेंसीज ने ओपिनियन पोल जारी कर दिए हैं। पहला है एक्सिस माई इंडिया के साथ आज तक ने ओपिनियन पोल जारी किया है, और दूसरा है एबीपी न्यूज के साथ लोकनीति और सीएसडीएस ने। बड़ा सवाल आज का यही है कि ओपिनियन पोल कितना सही और कितना गलत, तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। और चर्चा में हमारा साथ देंगे हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट रवि प्रकाश। रवि, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि अब चुनाव है और चुनाव से पहले ओपिनियन पोल आ चुके हैं, किसी ने किसी पार्टी को ज्यादा आगे दिखाया है तो किसी ओपिनियन पोल ने किसी को पीछे दिखाया है, कितना सही मानते हैं आप इन्हें? ये जो आगे पीछे दिखाने का है वो एरिया पे डिपेंड करता है, किस सर्वे जो कर रही है चैनल जो भी जा रहे हैं उन्होंने किस जगह पे, लखनऊ में या पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे वो जा करके जिनसे लोगों की राय लेकर आए हैं, उसके आधार पे ये जो आप सीट का देख रहे हैं आगे पीछे होना उस आधार पे है जी। अच्छा, अगर बात की जाए यूपी की, क्योंकि यूपी एक ऐसी प्राइम सीट है जिसपे सबकी निगाहें हैं, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, लेकिन जो यूपी की सीट है वो सबकी आंख में प्राइम टारगेट के तौर पर देखी जा रही है। सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि आखिर यूपी के सिंहासन पर कौन राज करेगा। तो यूपी को देखें, अगर यूपी में सियासी समीकरण किस तरह के हैं, क्या कुछ कहती है यूपी की सत्ता और जनता। लेकिन यूपी के अगर बात की जाए इनके रिजल्ट्स पे, तो एक्सिस माई इंडिया ओपिनियन पोल हो या फिर एबीपी न्यूज हो, उन्होंने बीजेपी को सबसे आगे दिखाया है। या अगर एक्सिस की बात की जाए, माई इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने किया है, तो एक्सिस का कहना है कि बीजेपी 206 वोटों के सीटों के साथ, माफ कीजिएगा, मैदान में आएगी और सरकार बनाएगी। देखिए, जो आज तक एक्सिस का जो आप बता रहे हैं वो है, ये जहां भी जो जाते हैं सर्वे करने वो शहरी क्षेत्र में जाते हैं। सबको पता है बीजेपी का जो वोट है वो शहरों में ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा वोट करते हैं जी। तो इसको ये मान के चलिए कि जो बीएसपी का वोटर है या एसपी का जो वोटर है, गांव का वोटर इसमें इंक्लूड नहीं है जी। तो इस वजह से जो आप देख रहे हैं सर्वे, इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को सीटें मिलती दिख रही है। और अगर बात करें एबीपी न्यूज, लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे की, तो सबसे आगे दिखाया गया है 141 से 151 सीटों के साथ सपा, समाजवादी पार्टी को। हालांकि समाजवादी पार्टी में विभाजन का दौर चल रहा है, अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है समाजवादी पार्टी, बावजूद इसके कैसे आप इस सबसे आगे देखते हैं रवि? इसमें देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि जो क्षेत्र वाइज है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या जो लखनऊ का एरिया है, उस आधार पे जो आप देखेंगे सर्वे में जो रिजल्ट, जो भी इनका ओपिनियन पोल आएगा उसमें जो चेंजेस होंगे वो क्षेत्र की वजह से। ये भी डिपेंड करता है कौन सी जगह पे गए, वहां पे लोग किनके सपोर्टर थे। यूपी और बिहार जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे बिल्कुल अलग समीकरण है, मतलब आप ये ओपिनियन पोल पे विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे तो कहीं भी मैक्सिमम जो ओपिनियन पोल हुआ है चुनाव में, जब भी होते तो पूरी तरह से ठीक नहीं होता, कोई कोई है कि करीब करीब पहुंच पाते हैं, लेकिन जो यूपी और बिहार का मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे यूपी का ही मान लीजिए, जो भी सर्वे आया है उसमें वोटर जो है वो ये बोल 5,000 या 10,000 जो भी सैंपल लिया गया उसके आधार पर ये दिखा देते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो है वो शहरी हैं, शहरी जो मैक्सिमम है वो बीजेपी को वोट करेंगे। कुछ अभी जो आप देख रहे हैं एक्सिस एबीपी वाला जी। तो ये जो आप एसपी को आगे दिखा रहे हैं वो इस वजह से भी दिखा रहे हैं कि अखिलेश की लोकप्रियता जो नौजवान वर्ग है, जो युवा वर्ग है, उनमें बढ़ी है, तो अखिलेश की वजह से आप थोड़ा सा आगे उसमें देख रहे हैं कि एसपी सही कर रही है। लेकिन ये जो पूरा आंकड़ा है वो मेरे को लगता है कि जब चुनाव होंगे और परिणाम आएगा तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि जो सपोर्टर्स होते हैं वो वोटर्स में तब्दील नहीं हो पाते। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त सीएम अखिलेश को प्रमोट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन आखिरकार जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन वोटर्स में वो लोग कितने तब्दील हो पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको ओपिनियन पोल्स की कुछ बड़ी हाईलाइट्स दिखाते हैं। जैसा कि बीजेपी को 206 सीटें मिल रही हैं 403 में से, ये हाल यूपी का है, यानी 330 सीटें एक्स्ट्रा दिखाई जा रही हैं जो पहले ओपिनियन पोल आया था उसके कंपेरेटिवली। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सेकंड नंबर पर 92 से लेकर 97 सीटों के साथ करीब करीब 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी दिखाई जा रही है। बीएसपी 3 महीने के
दौरान उसका ग्राफ नीचे गिरा है और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई है लुढ़कने के बाद। बीएसपी को दिखाई जा रही है 80 से 85 सीटें, कांग्रेस को चौथे रैंक पे है और 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। 2002 के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे जबकि कांग्रेस को उसमें 28 सीटें मिली थी, कांग्रेस में इतनी बड़ी लुढ़काहट क्यों दिखाई दे रही है? कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अभी आज के रेट में 3 पार्टियां ही हैं जो मेन, जिनमें लड़ाई है, बीजेपी, एसपी और बीएसपी। तो कांग्रेस जो यूपी है या बिहार है यहाँ से तो आप सफाई मान लीजिए, ये 5-10 सीटें मिल जाएंगी जो उनका आधार वोट बैंक है, जो पहले से है, जो अभी भी लॉयल है उनके प्रति, वो वोट देंगे। तो शायद 5-10 सीटें जो भी आप सर्वे में आया है, ये इससे ज्यादा नहीं मिलने की उम्मीद है। जैसे अमेठी वाला इलाका है, रायबरेली का इलाका है जो अपना इनका गढ़ शुरू से रहा है, यहाँ पे ये जीत सकते हैं। बाकी क्षेत्रों में कांग्रेस सफाई। लेकिन बड़ा सवाल रवि ये भी खड़ा होता है, जब 2012 में असेंबली इलेक्शन हुए थे उस वक्त कांग्रेस के दामन पर कई दाग थे, जैसे 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए उसके स्कैम्स को लेकर, या फिर 3G स्कैम को लेकर, 4G स्कैम को लेकर, या फिर उनकी जो जीजा हैं राहुल गांधी के, रॉबर्ट वाड्रा, उनकी लैंड उसको लेकर। तो जब इतने सारे दामन में दाग थे, इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरी हुई थी कांग्रेस, तब 28 सीटें निकली। लेकिन अब जब वक्त बदल रहा है, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है और हर बार कांग्रेस ही लीड कर रही है विपक्ष को, और ऐसे में चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो चाहे बाकी मुद्दे हो, उसमें लीड करके एक सत्ता के दिलों में घुसने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में सिर्फ 5 से 10 सीटें मिलना कांग्रेस को कैसा लगता है? उनका वोट बैंक है वो शिफ्ट कर गया है वोट बैंक। अच्छा, जो भी जीतता है तो कुछ परसेंट जो वोट होते हैं वही शिफ्ट होता है, उसके आधार पे ये रिजल्ट आप देखते हैं। वोट अगर चुनाव में 1% भी वोट कहीं शिफ्ट हो जाए ना, तो आप देखेंगे जो सीटों की मार्जिन वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब 1% अगर ज्यादा किसी पार्टी को मिल जाए तो हो सकता है कि वो पिछले के मुकाबले इस बारी 20 से 25 या 50 सीट ज्यादा जीत जाए। जी, तो इस वजह से क्या है कि इनका जो वोट बैंक है, जैसे आप जो मानते हैं मुसलमान या फिर अगली जाति के जो लोग थे जो कांग्रेस को वोट करते थे, वो शिफ्ट कर गए हैं। मुसलमान अब या तो एसपी को वोट करने वाले हैं या फिर थोड़े बहुत बीएसपी को करेंगे। जी, अगली जाति वाले बिल्कुल बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो जो भी जहां भी चुनाव हुआ है, जो सबसे ज्यादा नुकसान आप देखेंगे वोट के बाद भी जो रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस। रवि, बड़ा सवाल आपसे एक ये है कि इस बार नोटबंदी का मुद्दा बहुत गहराया हुआ मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, देश का, पूरे देश का मुद्दा है, जिससे कोई भी खास हो आम, हर कोई इससे कहीं ना कहीं बाधित है, अफेक्टेड है। तो नोटबंदी को इस चुनाव में आप किस तरह से देखते हैं? जो कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश का मामला है, मुझे लगता है कि नोटबंदी का असर कुछ हद तक पड़ेगा, लेकिन वो फायदा पहुंचाएगा दूसरे पार्टियों को, बीजेपी को हो सकता है नुकसान कर दे। नोटबंदी से बीजेपी को फायदा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दे हैं, जैसे आप कह रहे हैं क्राइम का मुद्दा है या फिर विकास का मुद्दा है, ये सब मुद्दे ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे वहां के चुनाव में। जो आधार है उनका वो हाँ, वहाँ अलग है। बिल्कुल वहां मामला बिल्कुल अलग है। जैसे बिहार में क्या था, जातिगत समीकरण ज्यादा हावी है बिहार और उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल विकास और बाकी जो कार्य है वो पीछे, वो लोगों की प्राइम जो चॉइस है उस पे नहीं है। खैर, एक आखिरी सवाल रवि से कि सीएम की पहली पसंद कौन, ये एक बड़ा सवाल है। और चार अगर मेंबर्स की बात की जाए समाजवादी पार्टी से अखिलेश को लिया जाए, तो 28% लोग चाहते हैं कि अखिलेश ही अगले सीएम भी बने। वहीं मायावती को सिर्फ 21% लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने। अगर बीजेपी, जबकि सबसे आगे भी दिखाई जा रही है, लेकिन बीजेपी से जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें सिर्फ 4% लोग ही चाहते हैं कि वो सीएम बने, और मुलायम सिंह यादव को सिर्फ 3% लोग चाहते हैं। तो क्या ऐसे में सीएम के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी तरफ से योगी आदित्यनाथ, क्या बीजेपी कुछ ऐसा टॉस कर जाएगी कि उन्हें बदल दे? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, ये अभी बीजेपी ने किसी उम्मीदवार को घोषित नहीं किया है, योगी आदित्यनाथ। लेकिन लोगों को ऐसा मानना है? नहीं, बीजेपी के पार्टी ने किसी को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। जी, ये जो सर्वे करते हैं वो अपने तरफ से एक मतलब चेहरा रखने की कोशिश करते हैं कि अगर बीजेपी इनको रखती है तो कितना परसेंट वोट आएगा। तो बीजेपी ने घोषित नहीं किया है अपने उम्मीदवार को, जबकि ये है कि लोग ये मानते हैं कि घोषित करना चाहिए। आप एक सर्वे में ये भी है कि बीजेपी को क्या अपना चेहरा देना चाहिए यूपी में, तो सबसे ज्यादा लोगों ने माना है कि हाँ रखना चाहिए, कोई मुख्यमंत्री या कौन होगा दावेदार वो दिखाना चाहिए इनको। जी बिल्कुल, लेकिन उनके पास अभी ऐसा कोई चेहरा है नहीं जिसको वो प्रोजेक्ट करे। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के छवि पे ही चुनाव लड़ेंगे। जहां तक बात अखिलेश की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश आज के डेट में
यूपी में सबसे लोकप्रिय नेता है। बिल्कुल, पार्टी छोड़ दें, किसी भी आधार पे आप देखिए, किसी भी सर्वे में सबसे ज्यादा अगर वोट मिला है किसी को तो अखिलेश को मिला है। जो दूसरे दल के हैं, जो अपर कास्ट वाले हैं, जो वोट नहीं करेंगे, उनका भी ये मानना है कि अखिलेश से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं है, कोई अभी तक नहीं मिला है, और शायद आगे आने वाले टाइम पे मिल भी नहीं पाएगा। तो रवि, यहीं आप इस चर्चा पर विराम लगाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी गहनता जानकारियां दी हैं जो कि शायद उन्हें नहीं पता था, लेकिन चर्चा का मुद्दा जो है वो कल कुछ और रहेगा, कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और फिलहाल इस चर्चा पर अभी लगाते हैं विराम, लेकिन पल पल की अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.hindi.cobrapost.com। तो फिलहाल गौरव सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।